हेलो फ्रेंड्स, एस आर आई टी स्किल्स इस आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शशिकांत पाटिल सभी आई टी आई के स्टूडेंट के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए लाया हूँ मैं डिजिटल मेथड ऑफ टीचिंग फर्स्ट टाइम फॉर आई टी आई एजुकेशन। और उसमें हम हमारा जो पहले फर्स्ट ईयर का डब्ल्यू सी एस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो सब्जेक्ट है, डैट इज़ फॉर 50 मार्क्स। तो उसके अलावा जो अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, डैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड फोर ऑप्शंस, क्वेश्चन एंड फोर ऑप्शंस, तो उसके हमने जो निमिका बुक है और उसका सीरीज है हमने शुरू किया है। लेसन नंबर 5 अभी हमारा चालू है और नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट। पहला हमने पहला कंप्लीट किया और नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ लेसन नंबर 5। तो फिर से शुरू करते उस पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट जो था, मैंने उसका आपको पीडीएफ दिखाया था बुक का। पीडीएफ में फार्मूलेज है, डेफिनेशंस है, देन हाउ टू सॉल्व दिस फ्रॉम दिस यूनिट्स है, और यूनिट्स के बाद में उसके फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। फिर से कहता हूँ कि दिस इज द यूनिक, उन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज, और जो मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश का वर्ड्स मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे हर वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेक्निकल वर्ड्स हैं हमारे, टेक्निकल जो भी कुछ है, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, सेकंड, तो वो आप ध्यान में रखिए, बस उनका ही रखें। और जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो आपको जो समझ में आएगा उस पर आप आंसर निकालना पड़ेगा। आंसर व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आंसर कैसे सॉल्व करने का, दैट इज इम्पोर्टेंट है, और क्विक मेथड से कैसे सॉल्व करने का, ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ट्रैवल्स डिस्टेंस 168 मीटर इन लाइन विद 21 सेकंड। तब इसमें आपका जो मैंने तीन फॉर्मूले आपको बताए, तो उसमें से एक है, अभी उन्होंने क्या कि वेलोसिटी निकालने का हमें वी, मैं जस्ट ऐसे लिखता हूँ वी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको मालूम है, फार्मूला मालूम है, तो डायरेक्ट आप उसके वैल्यू जो होता है वैल्यू डाल देने का, उसमें ऐड कर देने का फार्मूले में, और डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वी डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस को एस बोलते हैं, एस एस में लिखता हूँ, ये एस उसका सिंबल, 168 मीटर दिया है। और जो जो मैं बोलता हूँ मीटर, लीटर, सेकंड, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि फार्मूला जब सॉल्व करते हैं तो उनका यूनिट सेम आना चाहिए, ध्यान में रखिए। अगर यूनिट आपका गलत हो गया तो फिर आपका कौन सा भी प्रॉब्लम आ नहीं सकता, इसलिए यूनिट कभी भी सेम कर लेने का। और टी, टी मीन्स उन्होंने टाइम दिया है 21 सेकंड, टाइम जो रहता है टी उसको सेकंड में हम मेजर कर दें। तो हमारा वी का फार्मूला मैंने जो बताया था, यू नो वी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस एस अपॉन, डिस्टेंस को डिस्टेंस बोलते हैं डिस्टेंस, पर एस इज सिंपल एस अपॉन टाइम। ओके, तो वी आपको निकालने का है, एस कितना है, एस इज द वेयर इज एस, एस मीन्स डिस्टेंस 168 आपका। मैं अभी यूनिट भी लगता हूँ, यूनिट संज्ञा, डिस्टेंस का यूनिट में मीटर लग दिया और टाइम का कितना है सेकंड लिख दिया, सेकंड। तो देखिए आप, हमारा जो फार्मूला जो यूनिट आएगा वेलोसिटी का, वो मीटर पर सेकंड आएगा, एम मीन्स मीटर पर सेकंड आएगा, इस यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड, यानी हमारा दैट इज करेक्ट है, ये थोड़ा अलग है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो 168 अपॉन, एक डायरेक्टली सॉल्व वर्ल्ड से अपॉन टी कितना है हमारा 21, तो बस आपको 168 और 21 का डिवाइड कीजिए, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली ये जो हमारा सिस्टम है आपका सबको, आई थिंक यू नो, मैं फिर से एक बार करता हूँ, 168 अपॉन 21, तो 21 से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो सिंपल मेथड क्या है कि जो माई मेथड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी एक फार्मूला, अभी 168 ऊपर है और नीचे 21 है, तो इन तीनों का प्लस कीजिए, यानी उन तीनों का एडिशन बेरिज कीजिए, तो बेरिज मीन्स प्लस प्लस किया, तो 1 + 6 + 8 कितना होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, 15 होता है, 8 + 6 = 14, 14 + 1 = 15, 15, और 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 = 3 होता है। ओके, तो अभी 3 के टेबल में 3 का जो पाड़ा आता है, हमारे लैंग्वेज में पाड़ा बोलते हैं, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। तो अगर ऐसा ऊपर का और नीचे का उन्होंने अपने प्लस किया और 3 से वो डिविजल होगा, 3 की 3 से, तो 3 से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकता है, नीचे से भी इसको भी डिवाइड कर सकते, इसको भी कर सकते हैं डायरेक्टली आप उसके अगर आगे जाएंगे 21, तो 21 कौन से ऐसा 21 कौन से टेबल में आता है, तो आप 7 का टेबल लीजिए, तो 7 के टेबल में 21 आता है क्या, यस, इस ये आता है क्या, ये भी आता है, 3 से भी कर सकते हैं हम, आई थिंक वी विल स्टार्ट विथ 3 से करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल है, जस्ट फॉर योर वंस, आपके मालूम होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, यानी वो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं मुझको, आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं। ओके, तो 168 अपॉन 21,
तो मैं अभी 3 से उसको निकलता हूँ, 3 7 3 7 21, 3 3 5 3 5 15, 3 5 15 होता है, 16 से 15 है ना, 15, तो यहाँ पे 16 में से 15 गया तो एक आता है, एक रिमेनिंग आता है, 16 में से 15 एक आता है, तो एक ऊपर लिखा एक, तो एक और एक और एट कितना होगा, और एट 18, तो 3 3 18, 3 3 18, 3 6 18, और हमारा 56 आएगा और 7, तो क्या हमारा रिमेनिंग क्या क्या आ गया, ऊपर का 56 और नीचे का 7। आप डायरेक्टली इसको 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 21 को, इसको और इसको डायरेक्टली, तो 7 के टेबल में 56 आता है का, यस, 7 1 7, 7 8 8, 7 8 8, 7 7 8 56, तो दैट इज द 8 आ गया ऊपर एक, तो हमारा आंसर अभी आ गया 8, यहाँ पे एक जरूरत नहीं उसका, तो 8, तो दैट इज द 8 इज आवर द आंसर, तो 8 क्या है हमारा, वी वी इज द 8, और उसके यूनिट क्या है, मैंने ऊपर लिखा ऑलरेडी, मीटर पर सेकंड, तो दैट इज आवर करेक्ट आंसर, यूनिट, हाउ टू सॉल्व दिस एंड सिंपल मेथड, आपका जो भी मेथड होगा, आपको जो सिंपल लगता होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 89। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज, ये जो क्वेश्चन है WCS का, आप अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ITI, तो आप गवर्नमेंट के जो एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप ही अभी सब क्वेश्चन रहता है, और मैं आपको, मुझे याद आ गया अच्छी बात, कि यू मे नो डैट इन गवर्नमेंट सेक्टर जो क्लास सी जो एग्जाम है, क्लास सी एंड क्लास बी नॉन ग्रेजुएटेड, तो उसके लिए अभी इंटरव्यू बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, इंटरव्यू होता नहीं है, तो सिर्फ ओनली एंड ओनली योर क्वेश्चंस और आपका कुछ प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल स्पेशली फॉर ITI के लिए होता है, तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो यहाँ पर, यहाँ जो हम सॉल्व कर रहे हैं CBT का, तो यहाँ का यूज़ आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ITI, इफ़ यू यू वॉन्ट टू गो फॉर एनी गवर्नमेंट का एडवर्टाइज आता है, तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपका उसका मल्टीपल उसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, कि ये भी आपको, इसका भी आपका प्रैक्टिस होगा, और गवर्नमेंट के जो जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी WCS टाइप के जो ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इस टाइप के रहते हैं, तो आपका यहाँ भी यूज़ हो रहा है और वहाँ भी उसका, आपको इसका जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं कहता हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये आई थिंक इट इज मोस्टली आता है जो एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग, तो ट्रेन का उन्होंने, जस्ट फॉर आई एम योर राइटिंग कर दो, ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन 80 मीटर लॉन्ग है, ओके, एंड पासेस, ट्रेन पासेस रेलवे स्टेशन, ट्रेन क्या वहाँ कहाँ पे जा रही है, पासेस टू द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का उसका जो लंबी है, लेंथ है, वो कितना, 120 मीटर है, तो उसका प्लेटफॉर्म का, मैं जस्ट फॉर एयर लेट हूँ, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 120, ओके, एंड 20 सेकंड में वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो आई जस्ट राइटिंग ये टाइम, टाइम कितना है, 20 सेकंड, ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, तो स्पीड कितना रहेगा, स्पीड, स्पीड कितना रहेगा, तो स्पीड आपको मालूम है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए, कि रेलवे जो है तो यहाँ पे, दिस इज द, सपोज दिस इज द प्लेटफॉर्म, ओके, 120 मीटर, और अभी ये, और ये दिस इज द, सपोज दिस इज अवर रेलवे, वो कितना का है, 80 मीटर का लंबा है, ओके, यहाँ से यहाँ तक, और ये दिस इज प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे अभी वो क्रॉस कर रही है, सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से, और यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे जब आएगा तो ट्रेन पूरा कवर होगा क्या, डिस्टेंस पूरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी क्या, वो नहीं करेंगी, क्योंकि उसका 80 मीटर ऑलरेडी सिलक है ना, यहाँ पे रिमेंगे, तो जब तक वो यहाँ तक जाती नहीं है, यहाँ का 80 मीटर क्रॉस, यहाँ आते नहीं यहाँ तक इसका एंड पॉइंट, तब तक वो रेलवे को इस प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर नहीं सकती, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी फुल, उसका डिस्टेंस भी क्रॉस करेंगे और प्लेटफॉर्म का भी, यानी 180 और ही डिस्टेंस का क्रॉस करेंगे 80, तो दोनों मिलके जब वो डिस्टेंस क्रॉस करेंगे तभी वो उसको प्लेटफॉर्म क्रॉस करेंगे, तो दैट इज द डिस्टेंस कितना आया हमारा, 120 प्लस 80, ओके, 120 प्लस 80 कितना हो गया, 200, 120 और 80 कितना हो गया, 200, अब टाइम दिया है, टाइम यू नो कि 20 सेकेंड, तो उसको करो, अभी आ गया हमारा स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ गया, 200, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ध्यान में रखिए, आज से टाइप आता है, 20 सेकंड कितना है, 20,
तो ऊपर का नीचे मेरा डिवीजन का सिस्टम है कि आप यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियो यू वांट टू सी। ऊपर 0 आया तो ऊपर का नीचे और नीचे का कट कर देने का, कभी भी ध्यान में रखने का। बट टू टू बे का बे, ये 2 गया, बे का बे 2 में से 2 गया, 0 आया और ये रिमेनिंग 0 जाए ऊपर लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे कुछ है क्या? ए के मीन्स कुछ है, हमारा आंसर अभी आ गया, ए के मीन्स उसका कुछ जरूरत नहीं। तो स्पीड कितना हमारा आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, बराबर ना? मीटर तो हमारा ही, मीटर और सेकंड है ही, तो 10 मीटर पर सेकंड। अभी हमारा क्वेश्चन पूर्ण नहीं हुआ है। यू कैन, आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि 10 मीटर पर सेकंड सेकंड में आया, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि किलोमीटर पर आवर में, उन्होंने कहा है किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में, एक घंटे में वो ट्रेन कितना क्रॉस करेंगी। तो हम सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक एक ध्यान में रखिए, मैं एक आपको एक एक फार्मूला लिखता हूँ। मैं यहाँ पे फार्मूला मीन्स उसका एक यूनिट लिखता हूँ। तो 1 km/h, आप कौन सा भी बुक, यू कैन सी 1 km/h, 1 km/h इज इक्वल टू 5/18, 5/18 है, 5/5 अपॉन, मैं बोलने के सिस्टम मरा लगे, 5/5/18 मीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 km/h मीन्स 5/18 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान में रखिए आप, ये आप पाठ कर डालिए, ये आप पाठ कर डालिए। एम के में 1 km/h मीन्स व्हाट? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमें कितना हमारा 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड के लिए कितना km/h आएगा, km/h कितना चाहिए? तो ये कितना जो है, मेरा सिस्टम में यूज़ करो, आपको आपका जो सिस्टम आपको आता है आप ऐसा कर सकते हैं। आंसर निकाला, डैट इज आंसर जो है करेक्ट आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कितना, 10 मीटर पर सेकंड मीन्स, मैं 10 मीटर सेकंड मीन्स कितना km/h, तो कितना मैं यहाँ पे लिखा, ये लिखा तो यहाँ का क्रॉस करने का, मेरा सिस्टम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस का, तो क्रॉस में क्या है, वो एक है, एक लिखने का जरूरत है, लेकिन यू कैन राइट डाउन 1 × 10, 1 × 10 आ गया, और जो रिमेनिंग जो है 5/18 वो इसके नीचे आएगा, 5/18 में क्या बोलता हूँ, देखिए 5/18, 5/18। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 5/18, तो अभी उसको ही सॉल्व करूँगा मैं। एक और 10 है तो एक लिखने की जरूरत नहीं, मैं 10 लिखा। अभी क्या किया मैंने, इंटू, अभी 5/18 है ना, तो 18 ऊपर जाएगा, इसके नीचे 5/5/1 है, तो 18 ऊपर जाएगा, 18 ऊपर गया, और नीचे का जो 5 है उसके नीचे 5 है, 5 है, ऐसा रख दिया मैंने बस, उसको कुछ नहीं किया। अभी इसको ऊपर और नीचे का डिवाइड करो, तो 5 के टेबल में 10 आता है क्या? यस, 5 है, 5 5 दोनों 5 × 2 = 10, ओके, 10 − 10 0 हो गया, रिमेनिंग रिमाइंडर 0, तो 10 × 2 = 18 आ गया, कितना, 18 × 2 = 36 आ गया, 36 है क्या हमारा आंसर? यस, वंस अगेन वी विल यूज अवर ग्रीन पेन, तो 36 इज द km/h। ऐसे दिस इज द सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसको मैंने क्या किया कि मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड का 1 km/h, 1 km/h इक्वल 5/18 मीटर पर सेकंड, ये ध्यान में रखो, और उसको कन्वर्ट किया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 36 km/h, km/h मीन्स किलोमीटर पर आवर। तो नाउ लेट्स मूव टू द 90 नंबर क्वेश्चन मूव करेंगे हम। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? तो मैं आपको, हमने जो देखा कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होता है ना एक्सेलरेशन दबाने के बाद, एक्सेलरेशन जब आप दबाते गाड़ी को मूव करते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, डैट इज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है मीन एक्सेलरेट देते हैं, तभी तो गाड़ी फास्ट जाता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कितने समय में वो गाड़ी कितना आगे गया, कितना चेंज इन वेलोसिटी उसका हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी इन इन टाइम, तो चेंज वेलोसिटी क्या है, किधर है हमारा, है दैट इज द आवर आंसर बी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और उसका उसके फॉर्मूले से वो उसका, मैं अभी यूनिट उसका उसका जो यूनिट है संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं यूनिट, तो मैं तैयार कर, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या आता है, वेलोसिटी का आपको यूनिट मालूम है क्या? यस, मीटर पर मेरा सिस्टम ऐसा है, पर सेकंड, ओके। और टाइम का यूनिट आपको, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, राइट, टाइम का यूनिट सेकंड है। तो अभी मीटर इधर ऊपर ही रहेगा और पर है ना, पर सेकंड है, तो सेकंड नीचे आएगा, ये सेकंड पर सेकंड, सेकंड नीचे आएगा, सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यानी फॉर्मूले से मैंने उसका यूनिट निकाल दिया है। व्हाट इज इन दिस 91 क्वेश्चन नंबर सी, यू कैन सी हियर, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी का है
व्हाट इज यूनिट ऑफ, तो एक्सलरेशन का यूनिट क्या है, तो दैट इज द, हमने जो निकाला भी हुआ ये मीटर पर सेकंड क्यूर, ये जो है मीटर पर सेकंड मीन्स वेलोसिटी स्पीड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स एक्सलरेशन रिटार्डेशन, ये आप ध्यान में रखिए, पार्ट कर डालिए 91। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 92, और इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि के एम पी एच दिया है, यू कैन सी हियर, ये जो प्रॉब्लम है कि एक्सलरेशन ऑफ ताप, व्हाट इज द एक्सलरेशन, उन्होंने पूछा ए, ए मीन्स व्हाट, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन जो मीन्स उसका त्वरण बोलते हैं उसको, उसका यूनिट अपने मैंने पहले पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सलरेशन पूछा है तो इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना था 25 मीटर पर सेकंड, अभी हाँ इस इधर इधर उन्होंने के एम पी एच दिया है, के एल किलोमीटर पर आवर दिया है, ओके वी कितना है, मैं फास्ट लिखता हूँ अभी इधर 40, 40 भी वो सेम के एम पी एच है, और टाइम टाइम उन्होंने दिया है 1 मिनट, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि फार्मूला जो मैंने तीन फार्मूला बताया था, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, एस इज इक्वल टू 180 स्क्वायर, तो उसमें से ये फर्स्ट फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप जो यूनिट हमारा सेम आना चाहिए, अभी इधर अभी भी यू जो है किलोमीटर पर आवर में, और हमारा आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में, तो हमें मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा जो वी और यू है, तो उसको पहले हमको ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को, मिनट जो है उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर वो करेक्ट आएगा। तो सिंपल मेथड है जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया मेरा, तो वन वन के एम पी एच, 1 KMPH किलोमीटर पर आवर, 1 KMPH इज इक्वल टू कितना होता है 5/18, ये आप ध्यान रखो पार्ट कर लीजिए, 5/18 5 है, 5/18 मीटर पर सेकंड, ओके मीटर पर सेकंड, तो अभी अमित ये 25 KMPH कितना होगा, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 KMPH जो है इज इक्वल टू, या ऐसा करो तो कितना कितना मीटर पर सेकंड होगा, राइट तो हम कितना, मेरा जो पद्धति है वो आप देखिए, आपका जो पद्धति वो कर सकते हैं, केएम कितना कितना मीन्स कितना क्या मीटर पर सेकंड होता है 25 KMPH का, तो 25 कितना मीन्स इसका क्रॉस किया मैंने, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कि यहाँ का 5/18 और 25 लिया, 25 × 5/18 हो गया, और एक जो है इंटू ए नीचे आ गया, 25 × 5/18 / 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन ये लिख लेता हूँ आपके नॉलेज के लिए, तो 25 × 5 25 25 से कितना हो गया वो 125 हो गया, 25 × 5 125 आप कर सकते हैं, और नीचे हमारा 18 आ गया, तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड, तो ऐसे ही 40 का भी हमें सेम करने का है, 40 40 40 का भी हम सेम कर दें, 40 × 5/18 1 कुछ अभी लिखता नहीं हूँ मैं, तो 40 × 5 कितना हो गया 200 हो गया, 40 × 5 किया तो 200 आ जाएगा, 200/18, अगर आपका आपका जो डिफरेंस मेथड आपको आता होगा सिंपल तो आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यूनिट जो है वो सेम लाना पड़ेगा। अभी टाइम टाइम उन्होंने कितना दिया है 1 मिनट, तो वन हमें सेकंड करने का है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड आता है 60 सेकंड, 60 सेकंड आता है, ये फार्मूला क्वेश्चन बहुत अच्छा है वो, इसमें शब्द उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए बोला, अभी आपका फार्मूला में जो बोला पहला फार्मूला वी, वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी पहले वाला वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी, ए मीन्स एक्सेलरेशन, टी मीन्स आपका टाइम, तो वी का कितना निकाला हमने ये 200, अभी मैं फास्ट करता हूँ उसको, 200/18 इज इक्वल टू यू कितना है ये 125 125/18 प्लस ए, हमें ए मीन्स एक्सेलरेशन निकालने का है, कौन सी फार्मूले में सब फार्मूला डाल देने का, सब सब क्वांटिटीज डाल देने का, और एक सिंगल रहना चाहिए, अभी ए हमारा सिंगल है और टी हमारा कितना है, टी इज इंटू 60 है ना, 60 सेकंड है, मिनट का हमने क्या किया 60 सेकंड किया, ओके अभी इक्वल टू, तो ये इधर लेके जाने का, इधर लेके गए तो क्या हो गया जाएगा, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा इधर, तो ये करता हूँ ना, 125 यहाँ पे लेके गया तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 200 अभी मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ कि हमारा टाइम भी जा रहा, 200 − 125/8 इज इक्वल टू 80, ए इंटू 60, अभी ये 60 A लिखता हूँ मैं, कोई कैसा भी लिख सकते हैं आप 60 A, तो अभी इसका एलसीएम, एलसीएम से आपको मालूम है कि लसा भी, तो लसा भी अगर सेम होगा तो ऊपर का संख्या जो है, ऊपर का जो संख्या यूनिट संख्या उसको डायरेक्टली माइनस कर सकते, तो 200 में से 125 गया, 200 में से 125 गया तो 75 आता है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं 75 और 18 18 से 18 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 18 18 ऐसे लिखा इज इक्वल टू 60 A, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो अभी ए जो है तो अभी ऐसा रखो, ए में ऐसा रख दो इधर
ये 75 × 18 ऐसा यहाँ पे लिख लिया, ओके 75 × 18 इंटू, अभी इंटू अभी ये 660 ए है ना, तो यहाँ पे इधर गया इज इक्वल टू, इज इक्वल टू के यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा वो 60 मीन्स 1/60 मीन्स 60 अपॉन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे गया तो 1 ऊपर आएगा नीचे 60 नीचे आ जाएगा, तो 1/60 राइट। डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे 1/60 लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसके नीचे 18 के नीचे भी 60 लिख सकते, लेकिन ठीक है यू कैन राइट। समझ आने के लिए मैं ऐसे लिखा है, समझ में ए ऐसे लिखा मैंने 75 × 18 यहाँ इज इक्वल टू 75 × 18 और 60 यहाँ पे 60 मीन्स अपॉन 1 रहता है, तो यहाँ पे गए इज इक्वल टू के यहाँ पे गए तो 60/1 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, 1/60 ऐसा किया मैंने। अभी उसको डिवाइड कर सकते हैं, अभी 75/60 है तो हम ऊपर ने 5 और 0 है तो हमको 5 को 15 के भी जा सकते, 5 से 15 से भी डिवाइड करते दोनों में से, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 15 5 75, 15 5 75, इसको 5 से भी डिवाइड कर सकता, 5 से भी कर सकता था, लेकिन उसको टाइम लगेगा इसलिए अभी हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो 15 के टेबल में, 15 का टेबल में 60 आता है क्या? यस, 15 चौक 60 और 75, 15 5 75, तो ये जो बोल रहा हूँ मैं टेबल्स 15 15 20 12 13 14 10 4 5 ये सब आप पाठ कर लो तो फास्ट काम हो जाता है। तो ऊपर अभी नीचे 60 4 आएगा और 5 आएगा, तो एक्सटेंशन कितना है हमारा 5/5 नीचे आया, ये ऊपर 5 है, 5 × 1 मीन्स 5 आया, और 18 × 4 18 × 4 आया, 18 चौक कितना होगा 72, 18 चौक कितना होगा हमारा 18 × 4 72 होता है, ये आकर से 8 चौक 32, 8 चले 3, 4 और 3 7, 4 + 3 7 और सब, अभी 5 और 72 हमारा आंसर है, पॉइंट में आने वाला है, इधर पॉइंट 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 आने वाला, अभी 5 है तो हमें 5 को क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड में अभी यहाँ पर करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है मुझे टाइम लग रहा है लेकिन नो प्रॉब्लम। 5 72 / 5 है, 5 को हमें 72 से डिवाइड करने का है, ओके तो अभी यहाँ पे 0 लिया, एक 0 लिया तो मैंने सर इधर 0 इधर पॉइंट आ गया हमारा, लेकिन 50 हो गया, 50 50 72 से छोटा है तो फिर से हमें और 0 लेना पड़ेगा, और 0 लिया तो फिर यहाँ पे एक 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके तो 72 सौ 500 डिवाइड किया, 500 / 72 तो देखो कितना आता है 72, आई थिंक अभी वो हमारा जो आंसर है तो 0.69 और 0.59 है, तो मैं 5 लेता हूँ, 5 से जाते हैं देखते, पहले 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 10 का 0 यहाँ पे लिखा, 1 अच्छा 1 आला, 7 × 5 = 35, 35 और 1 = 36, 36 36 360 छोटा हो गया, तो हमें 72 × 6 लेना पड़ेगा, 6 2 क्योंकि 500 जो है 360 बहुत छोटा हो गया, तो 72 × 6 करो 7 × 2 = 12, 6 2 = 12, 12 मैंने 12 2 लिखा, 1 अच्छा 1 ही लिया, 1 अच्छा को 1 आया, 6 7 = 42, 7 7 42, 6 7 = 42, 42 + 1 43 हो गया, 43 तो हमारा ये आंसर बराबर आया 43। तो भाई इसका कुछ माइनस कर सकते हैं इसको जो भी आंसर आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे ऊपर क्या आया 6 आया, तो मुझे लगता है कि अभी 0.00.06 हमारा आंसर इधर लिख रहा है 0.06, तो ये हमारा आंसर अभी आ गया है, तो ये नीचे कुछ करने की जरूरत, 0.06 आया ना, 0.06, ये 0.06 जो है उसके इसके आगे कुछ यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यानी इसके आगे कुछ आएगा, लेकिन हमारा आंसर जीरो, ये कि जीरो मैं उसको लाता हूँ 0.069, ये 4 है ABCD, तो हमारा 0.1 0.6 आ गया, और ना उसके बाद में 9 आएगा, इधर इधर 9 आएगा, लेकिन वो करने का जरूरत नहीं है, और इधर 0.69, तो 0.069 हमारा डेट इज द आंसर। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऐसे मोस्टली आते नहीं है लेकिन आगे सब भी सकते हैं, और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होता है, यूनिट सब हमने सब कन्वर्ट किया, यू कैन सी द संज्ञा यूनिट जो होते हैं किलोमीटर पर आवर का, हमने मीटर पर सेकंड किया, मीटर मिनट था उसका सेकंड किया, फिर बाद में हमारा आंसर आया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कुछ डाउट आया तो यू कैन आस्क मी ऑन माई यूट्यूब चैनल का, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको जरूर जरूर उसका जवाब दूंगा। अब इतना ही बोलता हूँ, टेक केयर यू ऑफ योर सेल्फ ऑफ योर फैमिली, थैंक यू, जय हिंद।